हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी लगभग 11 बजने वाला है। तो अभी मैं जा रही थी नहाने, और नहाने से पहले ना मैं अपने हाथ में मतलब चोट लगा है तो इसको मैं बांध लेती हूँ, और इसके बाद जो है नहाती हूँ। अभी पानी नहीं लगाना, अभी ऐसे तो 8 दिन हो गया है करीब इसको मतलब चोट लगे हुए, और 8 दिन से ज़्यादा हो गया। पर अभी मैं पानी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पानी लगाऊंगी ना तो फिर और भी जो है ये मतलब पानी चला जाएगा तो और ख़राब करेगा इसी वजह से। तो अभी मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो लो, इसको सही से बांधो ना, इसको भी एकदम टाइट से बांध के, और फिर ऐसे मुझे जो है नहाना पड़ता है। ये देखिए मैंने बांध दिया, अब इसके अंदर ना पानी जो है नहीं जाएगा। और उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी बेसिन की थोड़ी सी सफाई, क्योंकि मनीषा ने इसको कल किया हुआ था सफाई, तो मैं एक बार जो है और कर देती हूँ सफाई इसको। तो मैं अभी इसको किससे सफाई कर रही हूँ, इसको ना मैं टाइल्स साफ करने के लिए रखी हूँ लिक्विड वाला, तो उसी से मैं अभी बेसिन को भी साफ कर देती हूँ। इससे ना बिल्कुल जो है क्लीन हो जाता है। रुको एक मिनट, तो यहाँ पे ना अभी आए थे डुगू का एडमिशन के लिए, पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब एप्लीकेशन दिया है हमने लिख के, अगर होगा तो होगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ही एडमिशन ओपन हो गया था और अभी ओपन जो है बंद हो गया है। तो एप्लीकेशन मैंने लिख के दिया है, तो अगर वो बोलेंगे ना मतलब सीट खाली होगा तो बाद में जो है एडमिशन होगा। और चार्ज वगैरह थोड़ा सा हाई है, तो देखिए अगर होता है तो हो जाएगा। तो मैं और गोलू आए थे, तो फिर यहाँ पे ना जैसे जहाँ हम लोग गए थे पूछने के लिए, तो 3 स्कूल है एक ही पास मतलब सामने सामने है, तो तीनों स्कूल में मैंने पूछा कि बच्चों का एडमिशन होता है क्या, तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं होता है, और सितंबर अक्टूबर में जो है फॉर्म निकलता है। और अभी ना लॉकडाउन चल रहा है, पर लॉकडाउन में भी बोल रहे हैं कि मतलब सीट जो है फुल हो गया है, और कहीं कहीं ना कोई कोई स्कूल में जो है फ्री एडमिशन भी होता है, पर इस स्कूल में बोले कि नहीं कोई फ्री एडमिशन जो है नहीं होता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ, जो कि न्यूड कंपनी का है। ये कैरेट सीड फेस वॉश है ये, तो इसकी पैकेजिंग अभी आप देख सकते हो बिल्कुल कैरेट की तरह है, और ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग है। इसमें पहले तो ये एक यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, जो उसमें सारे मेंशन किया हुआ है इसमें मतलब कैसे जो है इसको यूज करते हो। और ये देखिए ये फेस वॉश कितना अच्छा है, कितना अच्छा है इसका, मतलब गाजर की तरह ना इसका कलर बिल्कुल है। और आप अगर ट्रेवल करते हो तो इसके लिए एक पाउच भी दिया हुआ है, जो आप इसके अंदर रख के आप जो है इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। और ये देखिए इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो इस फेस वॉश में ना आपको मिल जाएगा कैरोसिट एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, जेंथन गम, ग्लाइकोलिक एसिड, डी पेंथोल और प्यूरीफाई वाटर।
जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसको यूज करना भी बहुत ही आसान है। तो ये वाला फेस वॉश है ना, ये मैन और वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं और ये 100% नेचुरल चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कोई केमिकल इसमें जो है आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो फेस वॉश है ना, ये आपको थोड़ा सा ही अमाउंट में लगाना है। तो ये देखिए इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है, तो इसको अभी मैं निकाल लेती हूँ और अभी मैं लगा के दिखाती हूँ। तो ये आप अपनी स्किन पे लगाते हो ना, तो आपके स्किन पे जितने भी चिपचिपा फील होता है, पसीने होते हैं, ऑयल होते हैं, तो ये आपके स्किन से जो है ये सारा कुछ जो है निकाल देता है और आपका स्किन जो है सॉफ्ट रखेगा, सफल बनाता है, मॉइस्चराइज भी रखता है और आपका स्किन में चमक भी दिलाएगा और आपके फेस को ना एकदम जो है डीप क्लीन कर देता है ये फेस वॉश और आपके पीएच बैलेंस को भी बढ़ाता है। तो अभी मैं इसका डिफरेंट भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा इसका डिफरेंट आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैंने हाथों में लगा के दिखाया है और अभी हाथों में आप डिफरेंस देख सकते हो। ये देखिए इसमें ना मैंने जो है लगाया, इसमें नहीं लगाया है। तो इसके ना सारे लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप परचेस करते हो तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ना थोड़ा सा मतलब भूख लग गया था हमें, तो अभी यहाँ से बर्गर बनवा लेते हैं, बर्गर खाना है, पैक करवा लेते हैं, घर पे जाके खाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मनीषा और टिक्कू है घर पर, तो टुकू बोला था मम्मी जल्दी आना जल्दी। तो यहाँ पे मतलब 2-3 घंटे लगभग हो गए, तो ये है लेट हो गया है और यहाँ पे अभी हम लोग बच्चों के लिए कुछ ले जा रहे हैं और हम लोग भी कुछ खा लेंगे, तो घर जाके ही एक ही बार खाएंगे, तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बर्गर जो है वो पैक करा देते हैं। तो हम बर्गर खाएगा क्या रहेगा, पिज्जा, बर्गर लेते, पिज्जा जो है थोड़ा सा मतलब अभी टाइम लगेगा बनाने में। एक एक है सबका, ले लो। तो अभी ना हम लोग आ गए हैं घर पे और थोड़ा सा थक गए क्योंकि पैदल आना पड़ा थोड़ा सा दूर तक, मतलब ऑटो वगैरह जो है नहीं मिल रहा था, तो हम लोग बोले कि चलो पैदल ही जाते हैं, तो पैदल आ गए हैं। और ये देखिए अभी खा लेती हूँ मैं बर्गर। हमको पर कुछ ज़्यादा बड़ा वाला नहीं मिला, अरे ऊपर था ना इसलिए बड़ा नहीं है, सब एक ही है, तो दब जाता है नहीं तो ये लो जैसे दब जा। तो बनाएंगे हम भी बर्गर, सिंपल है, ज़्यादा और टमाटर प्याज और तो यहाँ पे ना अभी जो है मनीषा बना रही थी खिचड़ी, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने मतलब कुछ जो जो सब्जी था घर पे वही डाला हुआ है, तो मटर, आलू, फूलगोभी तीन चीज़ था, तो वही सब जो है इसने डाल के मसाले डाल दी थी थोड़े थोड़े। और ये देखिए चावल और दाल को जो है धो के रखी हुई है, तो अभी ये जो है इसको इसमें डाल देगी। और इसके बाद जो है कुछ धनिया भी काट के रखी है, तो सारा कुछ डालने के बाद ये धनिया भी डाल देती है, उसके बाद जो है इसमें पानी डाल देगी। और ज़्यादातर जब से मेरा चोट लगा है ना, तो ज़्यादातर जैसे कि हम लोग दाल, चावल, आलू का चोखा और खिचड़ी और हम लोग बोलते हैं मार भात, वही ज़्यादातर जो है बनाती थी, तो अच्छा लगता था, मतलब देसी खाना खा के मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो यही बनाती थी मनीषा। तो ये देखिए यहाँ पे आज जो है थोड़ा सा इसने रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये सब कुछ इसमें भून ली है, अब इसमें जो है पानी डाल देगी और पानी डाल के लगभग 10-15 मिनट पकने देगी, मतलब एक सीटी जो है लगा देगी, उसके बाद जो है खिचड़ी तैयार हो जाएगा। और ये चावल जो है ये भी चावल मतलब कच्चा चावल है, अरवा चावल जिसको बोलते हैं, तो ये भी बहुत जल्दी जो है पक जाता है और अच्छा भी लगता है मतलब खाने में खिचड़ी। और इसके बाद जो है अभी टमाटर का चटनी भी बनाएगी, जो कि भून के
बनाई है अभी, ये देखिए। तो खिचड़ी और टमाटर का चटनी जो है तैयार है, और अच्छा लगता है ऐसा खाना। तो फ्रेंड्स एक ही वरना मैं अभी दिन के टाइम में मिली हूँ, तो अभी अभी मैंने वीडियो शूट किया था, और अभी मैं मनीषा बना रही थी खाना, तो मैं बना। तो यहाँ पे मनीषा ना खाना बिठाई थी, उसके बाद जो है मैं अभी थोड़ा सा मतलब वो कुछ काम कर रही थी, तो मैं अभी चला देती हूँ। मैं मतलब दोनों जन मिलके ना काम कर लेते हैं तो अच्छा जल्दी फटाफट बन जाता है। और पानी का तो काम मैं नहीं करती, मतलब बर्तन धोने का भी काम नहीं करती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद जो है मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ शेयर नहीं कीजिएगा तो सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।